अरे भाई, सुपरसेल की नई पॉलिसी देखी? वो नई पॉलिसी में है कि भाई वो हमें हमें ट्रैक करेंगे और सब एडवर्टाइजमेंट देके हमारी चीजों को ट्रैक करेंगे। सुपरचैल, ये आपने अच्छा नहीं किया। हम लोग आंदोलन करेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सुपरचैल आपकी पॉलिसी, नहीं चलेगी। हाय गाइस, सीओ सिक्योर गेम नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं उग्र क्लिक ने एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। गाइस, सो गाइस, आज एक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कोई इतनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हर एक क्लैश ऑफ क्लैन प्लेयर को जाननी जरूरी है। एंड बेसिकली क्लैश ऑफ क्लैन सुपर सेल की बाकी के गेम में नहीं, बिकॉज सुपर सेल आईडी अभी क्लैश ऑफ क्लैन में ही आई है। तो अगर आप क्लैश ऑफ क्लैन प्लेयर हो तो ये पूरा एंड तक देखना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हर एक क्लैश ऑफ क्लैन प्लेयर को जाननी जरूरी है। तो बेसिकली आज से 4 या 5 मैक्सिमम समझ लो ना 5-6 दिन के आसपास, या फिर 4-5 दिन के पहले एक बंदे ने थ्रेड बनाया था सुपरसेल फॉरम पेज पर। तो बेसिकली उस थ्रेड में लिखा था कि भाई सुपरसेल हमारी जो सुपरसेल आईडी जो है, अगर इनडायरेक्टली समझ लीजिए कि भाई सुपरसेल, तो सुपरसेल इज ट्रैकिंग अस आवर डिवाइस फॉर न्यू एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो और उस ये क्वेश्चन पूछा था उसने, बिकॉज ऐसे ही उसने नहीं पूछा था, ऐसे ही उसने इल्ज़ाम नहीं लगाया था, बिकॉज ऐसे ही किसी भी कंपनी पर उनके ही प्लेटफॉर्म पर इल्ज़ाम आप लोग नहीं लगा सकते। तो उसने बेसिकली वो बताया उस थ्रेड में कि भाई सुपरसेल की जो नई सुपरसेल आईडी आई है, तो यहाँ पर आप लोग इस फोटो में देख सकते हो, और वो मैंने थ्रेड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग खुद जाकर देख सकते हो। तो वो देख लीजिए, यहाँ पर इसने लिखा है कि भाई जो सुपरसेल आईडी जो उन्होंने नई दी है, तो उसमें उन्होंने सुपरसेल की प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, अपग्रेड की है, अपडेट की है, एंड अब वो लोग हमारे डिवाइस को ट्रैक करेंगे, डिवाइस पर नज़र रखेंगे, जो एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, वो सभी पर वो लोग नज़र रखेंगे। एंड वो लोग जो ये प्राइवेसी पॉलिसी है उसने लिखा है, रिमेंबर चेकिंग देयर पॉलिसी अ ईयर बैक मे बी, एंड उसने सब कुछ लिखा था एंड स्क्रीनशॉट भी दिए थे जो प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने चेंज की थी। तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा कि भाई जो सुपर सेल है वो हमारी चीज़ ट्रैक कर रही है, मतलब कि हम क्या करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो चेक कर रहे हैं, और वो भी किसके लिए। तो ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने हमें बताया नहीं, बताया है, बट हम लोगों को पता नहीं है बिकॉज उन्होंने अपडेट की है। तो आप लोग यहाँ पर फोटो में देख लीजिए, यहाँ पर नीचे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वी मे यूज़ योर ईमेल एड्रेस टू कॉन्टेक्ट यू अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द साइट, नोटिफाई यू अबाउट सुपरसेल न्यूज़ एंड प्रमोशन। नो डाउट, चलो भाई सुपरसेल की न्यूज़ एंड प्रमोशन के लिए आप लोग करो तो ईमेल हमारा यूज़ करो तो नो डाउट, बिकॉज हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर सुपरसेल आईडी के वक्त कि भाई जो भी न्यूज़ एंड आएगी वगैरह हम लोगों को मेल कर देना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमारा जेंडर, बर्थडे, वो सब लोग यूज़ करेंगे हमारी, वो सब लोग चीज़ यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, टारगेट प्रमोशन, मतलब कि पर्टिकुलर किसको टारगेट किया जाए ये एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आपको पता नहीं तो इसमें बता देता हूँ कैसे वर्क करती है गूगल एडवर्टाइजमेंट। तो जितने भी आप लोग सर्च करते हो गूगल पर, तो उस आईडी से गूगल आपकी जितने भी बार आपने जिन जिन चीज़ों को सर्च किया है वो सब कुछ कलेक्ट करता है, एंड उसके रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट देता है। आप कोई भी जगह पर सर्फ करते हो, वेबसाइट हो वगैरह वगैरह कोई भी चीज़, तो आपने जिस तरह सर्च किया हो उसी तरह आप लोगों को उसके सामने वो चीज़ देता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि आपको जो अच्छी लगती है चीज़ वही आपको मिलेगी, बिकॉज आप लोग क्या सर्च करते हो उसके ऊपर ही वो लोग आपको एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो अब उसके बाद एक चीज़ थी यहाँ पर, एक चीज़ और ही भी थी कि भाई जो हमें जाननी जरूरी है, यहाँ पर लिखा था थर्ड पार्टी सर्विस, तो अवर सर्विस में भी कंटेंट थर्ड पार्टी ट्रैकिंग डेटा कलेक्शन एंड गूगल एनालिस्टिक एंड मोबाइल ट्रैकिंग ऐप ट्यून। तो वो जो गूगल एनालिस्टिक है वो सबको देंगे और उसी हिसाब से एड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसमें ऐसा भी किया जा रहा है कि भाई क्लैश ऑफ क्लैन में मे भी एड आ सकती है। तो आपको बता नहीं तो बता दूँ, क्लैश ऑफ क्लैन इतनी पॉपुलर इसीलिए हुई क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन गेम है उनमें एडवर्टाइजमेंट आती है, मतलब कि जैसे कि अगर क्लैश ऑफ क्लैन में एडवर्टाइजमेंट आएगी तो कैसे आएगी, तो आप लोग एक अटैक खत्म करके आओगे तो आपको सामने एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी वगैरह वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में एडवर्टाइजमेंट वो लोग देंगे। तो बाकी की ऑनलाइन गेम में एडवर्टाइजमेंट आती थी और इसीलिए वो बोरिंग लगती थी, इरिटेट होते थे हम लोग यार कि भाई क्यों एडवर्टाइज, क्यों यार क्यों। अगर वो चीज़ क्लैश ऑफ क्लैन में आई तो फिर पूरा मूड आउट हो जाएगा, बिकॉज क्लैश ऑफ क्लैन इसीलिए इतनी पॉपुलर हुई कि भाई ऑनलाइन गेम है तो भी एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सभी वो लोग अर्न करते हैं, तो इन ऐप परचेसिंग होते हैं, जो जेम परचेस करते हैं उसके लिए ही है। और नीचे एक और चीज़ है एडवर्टाइजमेंट, वी मे फीचर एडवर्टाइजमेंट इन आवर गेम्स, देख लीजिए इन आवर गेम, अगर यार ये कर दिया ना तो मजा, मतलब कि उनका यार जो नाम था कि भाई
एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो भी इनका रेवेन्यू इतना अप जाता था, प्रॉफिट इतना बिलियन मिलियन में जाता था डॉलरों में तो भी इतना। बट यार जो ये चीज लाए ना, जो हमारी चीज ट्रैक कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। नो डाउट उन्होंने टर्म्स एंड पॉलिसी में रखी है, बट हम लोगों को बताया भी नहीं कि भाई अपग्रेड की हुई है। मुझे तो पता भी नहीं था, सीरियसली बताऊं, मैंने ये थ्रेड देखा उसके बाद पता चला कि भाई ये ट्रैक करते हैं हमारी चीजें। यार उनको एक बार बताना चाहिए था कि भाई हम लोगों ने न्यूज सेक्शन में बताना चाहिए था भाई हम लोगों ने हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को अपग्रेड किया है, बट अब पता नहीं क्यों नहीं बताया। बट इनलीगल तो नहीं किया उन्होंने, उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी में रख दी है उन्होंने, टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ ऐड कर ली। बट एक चीज़ की भाई उन्होंने बताना चाहिए था, बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। बिकॉज हमको कैसे पता चलेगा भाई आपने अपनी पॉलिसी को अपग्रेड किया हुआ है, हम थोड़ी ना हर रोज चेक करेंगे भाई आपकी पॉलिसी कैसी है। एक चीज़ यही है जो आपको मैं बता देता हूँ, आपको बतानी है, अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे ना तो कुछ टाइम के बाद आपका अकाउंट डिलीट कर सकती है सुपरसेल। ये भी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है अगर आपको बतानी है तो। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर मैं फुल डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, यस, कि भाई कब अगर कितने टाइम तक आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो आपका अकाउंट वो लोग डिलीट कर देगी। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो बता देता हूँ, ये इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ठीक तक उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी नहीं है, तो आप लोग पढ़ लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा है यार उनकी फैन प्ले पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग मुझे यार कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई ये सुपरसेल ने ठीक किया या नहीं किया। अगर आप लोगों को लगता है भाई नहीं नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हैशटैग नो प्रॉब्लम करके कॉमेंट कर देना। बट अगर आपको प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि भाई अच्छा नहीं किया सुपरसेल ने, ये जो एडवर्टाइजमेंट रखेगी हमारे फ़ोन में, हमारा डेटा ट्रैक करेगी, क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो सब कुछ ट्रैक करेंगी, तो आप लोग हैशटैग नॉट बैड सुपरसेल लिख देना। बेसिकली मेरा तो नॉट बैड है, मुझे तो यार अच्छा नहीं लगा यार, सीरियसली मैं। चलो एक बार ट्रैकिंग का भी हम लोग, चलो भाई कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्रैकिंग करोगे कोई बात नहीं, बट ये जो अगर COC में एडवर्टाइजमेंट आई ना तो मेरा पूरा मूड आउट हो जाएगा। मुझे तो अच्छी ही नहीं लगती कोई भी गेम हो, एडवर्टाइजमेंट उसमें अच्छी ही नहीं लगती, पूरा मूड आउट हो जाता है। तो ये था गाइस आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना हैशटैग नो प्रॉब्लम या फिर हैशटैग नॉट बैड सुपरसेल। मैं भी देखूँ भाई आप लोग कितने खुश हो इस चीज़ से या फिर ना खुश हो। चैनल पर पहली बार आ रहे हो गैस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो यही था आज का वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस।